एक बार सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, अभी मैं हूँ गुड़गांव और गुड़गांव से हम लोग जाएंगे आज राजस्थान। राजस्थान में जो फिल्म बनी थी करण अर्जुन, उसकी शूटिंग लोकेशन पर भिलवाड़ी गांव, जो कि विराट नगर एरिया में पड़ता है। दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं, वहाँ पहुँचने में हमें 3-4 घंटे लगेंगे। एक कैसी है पहेली आए, कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए। गुड़गांव से बाहर निकलते ही कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी मैं गुड़गांव से 15-20 किलोमीटर ही आया हूँ और बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। दोस्तों, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ भिलवाड़ी मोड़ के ऊपर खड़ा हूँ और इसी जगह पे ट्रैक्टर आ गए, बड़ा शोर करते हुए जा रहा है, डीजे बाजार का ट्रैक्टर में। तो दोस्तों, इसी जगह पे करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हुई थी 1995 में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आपको उल्टा दिखाई देगा, भीलवाड़ी लिखा हुआ है। और अभी गांव के अंदर चलते हैं और करण अर्जुन के जितने भी शूटिंग सीन हैं मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अभी चलते हैं गांव के अंदर, आइए चलिए जी। भाई साहब, जब वो शुरू में आए थे तो किसने आपसे बात करवाई थी कि भाई यहाँ फिल्म की शूटिंग करेंगे करण अर्जुन की? राकेश रोशन से हुई थी। राकेश रोशन से या बीच के कोई जैसे दलाल वगैरह होते हैं, कोई वो आया था देखने के लिए कि भाई? डायरेक्ट खुद ही आए थे। खुद ही आए थे तो क्या टाइम दिया था उन्होंने, कितने दिन बाद शूटिंग करेंगे हम शुरू? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। और फिर घर जैसे आपका लिया था उस टाइम रेंट पे या जैसे भी, तो उस टाइम आप लोग कहाँ रहे थे? यहीं रहे थे, मेरे इसी घर में। वो शूटिंग करने आते थे और फिर रहते कहाँ थे? सिरस का पहले वहीं पे, वो अमरीशपुरी का भी ठिकाना दिखाया गया ना। चलिए, आपका ये घर जैसे शूटिंग है उससे कितने दिन पहले बनाया था आपने? ये तो पुराना घर है, तो पुराना। उस टाइम रंग नहीं दिखा रहा क्या घर के ऊपर, जैसे नया सा बना हो, प्लास्टर ऐसा लग रहा था? उन्हीं ने किया था। उन्हीं ने किया था, पट्टी सी करी थी खाली, है ना। तो काफ़ी अच्छा घर लग रहा है भाई साहब, काफ़ी मशहूर हो गया आपका घर इस फिल्म के माध्यम से। अच्छा, काफ़ी लोग जो है देखते हैं और हरियाणा और राजस्थान में। करण अर्जुन की बहुत फिल्में जो है यूट्यूबर शायद आते रहते होंगे आपके पास। तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं भी अपनी डाल दूं और भाई साहब का मैं इंटरव्यू लूँगा छोटा सा। तो यहाँ चौक में भी शूटिंग हुई थी ना जैसे बाहर? ठीक है सर, काफ़ी धन्यवाद आपका। दोस्तों, एक सीन इस तरह से है, सामने से शाहरुख खान और दौड़े आते हैं और इस तरफ से जो करण और अर्जुन होते हैं, इस साइड से एक जना इस तरफ से आता है दौड़े हुए और इस घर के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं दोनों दरवाजे, इसके ऊपर छलांग लगा के अंदर कूदते हैं और जाकर अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, और ये घर इतना दिखाई देता है पिक्चर में इस तरह से। और अभी आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से सीन है और एक सीन में इस तरह से दिखाई देता है सामने का पहाड़ और ये साइड वाला घर। ये पूरा घर है, यहीं पर शूटिंग हुई थी पिक्चर की, करीब 15 दिन शूटिंग चली थी और यहीं पास के एक होटल में जो सिरस का पैलेस है उसमें वो रुके थे सारे। और घर में आप देख सकते हैं एक अभी कुत्ता है, डॉगी। ये सामने का जो दरवाज़ा है इसके आप ये चीज़ ये मैच कर लीजिए, ये दोनों सुराख दिखाई देंगे और सेम यही इसी तरह से दरवाज़ा खुला हुआ है सामने का, आप मैच कर सकते हैं। साइड में जो कूलर लगा हुआ है, खिड़की भी उस टाइम थी। ये पेड़ घर के बाहर है, ये भी उस टाइम था, आप देख सकते हैं। इस पर ये टीन डाल दी गई है, पहले ये टीन नहीं थी ये वाली, बाकी सेम वही का वही घर है। ऊपर भी आप देख सकते हैं मोहरा वो लगा हुआ है, ये जो मोहरा है इसके अंदर पत्थर से डाल दिए। और साइड का घर ये भी दिखाई देता है पिक्चर में, तो कुछ इसी तरह का ये नज़ारा था। तुलसियाँ भी काफ़ी लगी हैं घर के अंदर, लेकिन उस टाइम यहाँ बीच में एक तुलसी का पेड़ था पिक्चर में,
और ये जो आप देख रहे हैं कूलर, इसमें टोकरी रखी हुई थी और सामने की खिड़की में भी थोड़ा सा सामान रखा हुआ था। और जो अंदर करण अर्जुन सो रहे थे वो सीन भी अंदर का यहीं से दिखाया गया, इसी घर में है। मतलब जब वो आते हैं मुनीम जी और कहते हैं कि आपको ठाकुर ने बुलाया, जो राखी गुलजार होती है उनको कहते हैं कि आपको ठाकुर ने बुलाया कल हवेली पे और वो बीमार है और आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी हवेली पे, हवेली पे मुझे डर लगता है, वहाँ पे वो दुर्जन सिंह कमीना जब तक है मैं वहाँ पांव नहीं रखूँगी। तो वो कहते हैं दुर्जन सिंह कल काली माता के मंदिर में जाएंगे पूजा के लिए, उस टाइम आप आ जाना और एक बारी बड़े ठाकुर से मिल लेना। तब वो हाँ भरती है, राखी गुलजार जी कहती है ठीक है। और दोस्तों यही वो घर है जब पुनर्जन्म के बाद आते हैं उस टाइम राखी गुलजार यही कहती रहती है, जब तक वो आते नहीं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये वो गली है जहाँ से करण अर्जुन दौड़े दौड़े आते हैं, इस साइड से एक आता है सलमान खान, शायद सलमान खान का नाम अर्जुन होता है, और शाहरुख खान इस तरफ से आते हैं, शाहरुख खान दूसरे रास्ते से आते हैं इस तरफ से, जहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है मेरी। और ये कुआं भी पिक्चर के अंदर दोस्तों दिखाया गया है, ये कुआं यहाँ पर पानी भरते हुए दिखाया गया है, और राखी गुलजार भी इस कुएँ के पास से आती है अंदर। और ये आसपास का सारा नज़ारा आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे घर बने हुए हैं और बिल्कुल पहाड़ी की गोद में ये घर है। ये नीम का पेड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इस घर से इस साइड का भी एक सीन दिखाया जाता है, जब करण अर्जुन खड़े रहते हैं घर गेट के पास, यहाँ इस गेट में इस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन ये घर बन गया अब नहीं है सामने वो घर, जो इस गेट से दिखाया जाता है यहाँ से करण अर्जुन का। अभी इसी रास्ते से जहाँ से करण अर्जुन दौड़े दौड़े आते हैं हम मुंशी जी के घर जा रहे हैं। मुंशी जी के घर में आपको और दिखाता हूँ, ये कच्चा रास्ता है, ये दो बच्चे मेरे साथ हैं, ये मुझे दिखाएंगे, ये करण अर्जुन, यही है मेरे करण अर्जुन, आ जाओ चलो दिखाओ अर्जुन है वो। घर के आगे बेटा कौन सा सीन था यहाँ पे, मजाक वाला क्या कहते हैं वो, गदर को गदर नहीं तो क्या भूली तुम। अच्छा वो जो दोनों कॉमेडियन होते हैं वो यहाँ पे होते हैं ना। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये घर इस तरह से नीचे से एक बारी सीन दिया गया था, और यहाँ पे मुंशी जी बैठे होते सामने, घर का दरवाजा खुला पड़ा है और अंदर से आपको आसमान दिखाई देगा, क्योंकि घर में घुसने के बाद ना ये छोटा सा चौक है उसके बाद घर है और ये मेन गेट है घर का। तो इसी जगह पर ये साइकिल के पास नीचे यहाँ मुंशी जी बैठे होते हैं और वो कहते हैं गाजर को गाजर ना कहूँ तो क्या कहूँ, मूली को मूली ना कहूँ तो क्या कहूँ। तो इसी तरह का यहाँ पे हंसी मजाक चलता रहता है। फिर वो ये मैंने थोड़ा पीछे से लिया है क्योंकि ये खिड़कियाँ दोनों तरफ की आनी ज़रूरी थी, और ये राइट का दरवाज़ा सीधे आदमी मेरे जो दरवाज़ा है ये वाला, और ये खिड़की। और दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं बॉर्डर इसका ग्रीन कलर का कर रखा था, और यहाँ पे ये बन रही है भैंस छोटी सी एक। ये मकान मालिक ने मुझे बताया कि रंग उन्हीं ने करवाया था, जो करण अर्जुन का मकान था उस पर भी आप देख सकते हैं उस पर ग्रीन कलर की पट्टियाँ कर रखी हैं, उस घर पे कलर ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस घर पे गुलाबी ऊपर की जाली ग्रिल और हरे रंग की ये पट्टियाँ दरवाजों के चारों तरफ की, और राजस्थानी डिजाइन है, काफ़ी अच्छा डिजाइन है घर का, फिल्म वालों को ये लोकेशन पसंद आ गई थी आते ही। दरवाजे के अंदर आपको ये जो बनी हुई हैं ये देवियाँ ये भी दिखाई देंगी स्क्रीन शॉट में, और ये छोटे छोटे से आले बना रखे हैं। तो सेम ये घर बिल्कुल वैसे का वैसा है। और दोस्तों एक सीन में इस साइड में भी मुंशी जी खड़े होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ सामने एक पेड़ दिखाई देता है और पहाड़ी का ये नज़ारा दिखाई देता है। अभी पेड़ दूसरा है शैतूत का है शायद, और पहले नीम का पेड़ था वो पेड़। ये डिजाइन दिखाई देगा आपको मुंशी जी के पीछे कंधों के, जानी लीवर जो होते हैं दोनों के पीछे, और उस पर कलर कर रखा था, बड़ा अलग दिखाई देता था ये डिजाइन।
दोनों दरवाजों का आप देखिए, ये मुंशी जी का घर और आगे ये भैंस बंधी हुई है और इधर बकरियां हैं, बकरियों का छोटा सा बाड़ा है। ये देखिए खूब सारी बकरियां हैं इसके अंदर। एक सीन दोस्तों, इस ये क्या कुआ है बेटा ये पास में? ये कुआ जो है इसके पास से लिया गया था, यहीं से राखी गुलजार दौड़ी आती है। और घर कुछ बदल गए हैं, कुछ उसी टाइप से लग भी रहे हैं, इसी रास्ते से वो दौड़ी आती हैं। और ये दिखाई देता कुएं के चारों तरफ का ये जो घेरा बना हुआ है, यहाँ पे गांव के लोग खड़े हुए थे और वो उनका गला पकड़ पकड़ के पूछ रहे थे कि कहाँ हैं करण अर्जुन, कहाँ हैं करण अर्जुन, कहाँ हैं। ठीक इसी चौक की पूरी लोकेशन है और आप देख लीजिए आराम से। ये घर यहाँ दिखाया जाता है, अमरीश पुरी के सर के पीछे दिखाई देगा और उनके साथ में दो तीन और होते हैं विलन, वो भी यहाँ दिखाए जाते हैं। इस तरीके से करण अर्जुन दिखाई देते हैं, ऊपर खड़े रहते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं जब मुंशी जी कहते हैं कि वो रहे करण अर्जुन। तो अमरीश पुरी और उनके साथ में जो पूरी उनकी जो साथ में गुंडे थे वो सारे देखते हैं ऊपर की तरफ। इसी रास्ते से राखी गुलजार दौड़ी दौड़ी आती है और वो तो बेचारी आधी फिल्म में तो ऐसे ही करती रहती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसे ही करती है ना बेटा? वो आ गए हैं, वो वहां से भाग के जाती है, वो आते हैं तो कहां से करते आती है वो ऐसे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो आगे से वो काला गेट दिख रहा है ना, तुमने देखी है फिल्म? हाँ। कैसे करती है वो उस फिल्म में राखी गुलजार जी? वो बेचारी बुरी हालत रहती है पूरी पिक्चर में, उसके पीछे ही पड़े रहते हैं वो अमरीश पुरी के लिए। बेटा मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, हाँ दो बार बोलती थी वो हमेशा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये यहाँ से आती है ना दौड़ी? मैं देखता हूँ यहाँ का सीन लेता हूँ अभी। एक सीन दोस्तों इस तरह से, ये सामने से जो है राखी गुलजार दौड़ी दौड़ी आती है रोते हुए कि मेरे करण अर्जुन आ गए, मेरे करण अर्जुन आ गए। और ये पेड़ हट गया बीच में, नहीं तो सामने आपको राइट साइड में वो खिड़की दिखाई देती। मैं थोड़ा साइड से दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जैसे नीचे खिड़की लगी है ये खिड़की ऊपर भी लगी हुई है टक्कर में बिल्कुल। और बीच का ये रास्ता है ये भी आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही है बिल्कुल। दोस्तों फाइनली मैं उसी लोकेशन पर आ गया जहां से मैंने गांव में एंटर किया था। सामने आप देख सकते हैं ये जो सामने की पहाड़ी है, इस बोर्ड के बिल्कुल सामने उसके गोद में नीचे गांव है छोटा सा भीलवाड़ी। और अभी मैं यहां से निकल चुका हूं और जयपुर की तरफ मैं जाऊंगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। खासकर जो नए भाई बहन और बच्चे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं लेता हूँ इस ब्लॉग से विदा। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों।